मालूम और नहीं अनिल मुनकर की अमूमी सदारती कमेटी आपको खुशामदीद कहती है और अल्लाह ताला से दुआ करती है कि वो आपके हज और मसाई को कबूल फरमाए। नीज उसे आपके लिए मुख्तसर तारुफ पेश करते हुए खुशी हो रही है। जबल उहद वो मकाम है जहाँ गज़वे उहद पेश आया था जिसमें 70 सहाबे किराम शहीद हुए थे जिनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयद शहदा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब सर फहरिस्त है और ये सब उसी जगह मदफून है और अब उन 70 सहाबे किराम में से सिर्फ हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मालूफ है और सही शरई इबादत से ताल्लुक न होने और तारीख में कई मरतबा आने वाले तबाहकुन सैलाब के सबब कब्रिस्तान के मिट जाने की वजह से बाकी सहाबे किराम की कब्रों की निशानदेही मुमकिन नहीं रही है। कब्रिस्तान में मर्दों का जाना जायज है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहदाए उहद के बाद तशरीफ ले गए और उनके लिए आम कब्रिस्तानों की तरह दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना फरमाया और कब्रिस्तान जाने वालियों पर इस तरह लानत की है। अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान में आने वाली औरतों उन कब्रों को सजदा करने वाली और जीनत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत भेजी है। इंसान पर लाजिम है कि अपने रब की तौहीद की हिफाजत करे, मुर्दा लोगों को ना पुकारे या पत्थरों और मिट्टी से तबरुक हासिल ना करे और उनसे ऐसी चीज तलब ना करे जिसकी कुदरत सिवाय अल्लाह ताला की किसी को नहीं। इस मकाम पर जायरीन या हज्जाज इकराम से कुछ खिलाफ सुन्नत आमाल सरज़द होते हैं जैसे बाल और नाखून फेंकना या पत्थर और बूटियों का इस्तेमाल करना और ताले रखना। जायरीन को देखा गया कि कब्रों पर आतक डाल देते हैं और फिर दूसरे आने वाले गुमान करते हैं कि ये खुशबू इन कब्रों से आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने इस मुकाम की ज़ियारत के वक्त ऐसा अमल नहीं किया, गोया कि ये खुराफात हैं। हाजी भाइयों, मुमलकत सऊदी अरबिया में अमल एक